अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। आज ना दो चार दिन के अंदर मैंने बनाई नहीं वीडियो, तो मैंने बोला चलें आज बनाते हैं वीडियो। तो आज मैं बना रही हूँ भरे हुए कीमा करेले। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत लजीज होते हैं। और आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। तो और आगे भी आप लोगों को एक से एक रेसिपियाँ मैं शेयर करूँगी। और आप लोग आएँ रेसिपी की तरफ, चलते हैं कि मैं किस तरह बनाती हूँ कीमा करेले रेसिपी की तरफ। आज मैं भरे हुए करेले बना रही हूँ और मैं किस तरह बनाती हूँ तो वो मैंने बोला आज शेयर करूँ, काफ़ी दिनों बाद ना रेसिपी। तो ये देखें, एक पाव कीमा है और ये एक चमची सौंफ है और ये ना दो चमची सफ़ेद वाला ज़ीरा है और ये देखें ये गरम मसाला है, बड़ी इलायची है, यानी कि पूरा गरम मसाला है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये इतनी बड़ी बड़ी ये दो प्याज हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये अच्छी सारी मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैंने कतर लिया है, ये वो है, वो भी डाल दिया। और ये हम अपने हिसाब से एक चमची छोटी वाली भर के नमक डाल देंगे और इसको हम हल्का सा पानी डाल के और इसको हम पकने रख देंगे। फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। पाव कीमा था, दो प्याज थी, गरम मसाला था, सौंफ थी, ज़ीरा था, ये अब मैं इसके करेले के बीज और पुदीना डाल रही हूँ ताकि ये भी हमारा अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। ये देखें, ये इसको भी हम पका लेंगे इसके अंदर। कीमे के बीज हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, कीमे के बीज। और अब हम देखें, इधर मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है और ये आधा किलो मेरे करेले हैं जो मैं इसके अंदर एक बॉयल तेज़ी का दूंगी और फिर इन्हें हल्का सा बॉयल देके, यानी कि एक बॉयल देके उतार लूँगी इन्हें अच्छे। देखें इसमें बॉयल आ चुका है और अब मैं इनको एक बॉयल देके इनको निकाल रही हूँ। और इधर देखें ये पानी खुश्क हो गया है, इसमें हमने ऑयल नहीं डाला है। और अब मैं इसको इसमें भरूंगी ऐसे ही बगैर ऑयल का बॉयल हुआ हुआ। ये देखें ये मैंने करेले निकाल लिए हैं और अब हम इस पानी को फेंक देंगे। फिर मैं आपको भर के दिखाती हूँ। ये देखें ये ना भर के मैं कटोरी ऑयल डाल रही हूँ, ये ऑयल हमारा गर्म हो जाता है। तो फिर मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। जब तक हमारे मसाले भुनेंगे तो हम ये कीमा इसके अंदर ये ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। और ये देखें ये मैं इस तरह भर लूंगी इन्हें, बॉयल हुआ हुआ कीमा और प्याज बीज एक चमची सौंफ। ये देखें हम इसको इस तरह भर लेंगे सारे करेलों को और फिर है ना हम धागा लिपटेंगे इस पर। ये देखेंगे मैंने एक बॉयल दे दिया है, बिल्कुल एक बॉयल देना है और ऑयल चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, दो चमची मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, एक प्याज ली है बड़ी सी। और इसके अंदर हम डालेंगे ये मसाले, ये देखें ये मैं पिसी हुई मिर्चें डेढ़ चमची ये वाली डाल रही हूँ और एक चमची हम भर के ये हल्दी डालेंगे, आधा किलो हमारे करेले हैं, एक पाव कीमा है, एक चमची सौंफ है, गरम मसाला है और ये मैंने खुश धनिया डाला है एक चमची और नमक हमने इसमें भी डाला है करेलों में। और इसमें हम थोड़ा कम डालेंगे, ये डालेंगे हम सिर्फ नमक, कभी हमारा तेज ना हो जाए ना नमक। ये
देखें मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये जो बॉयल कीमा था, प्याज थी जो मैंने करेलों में भरी है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा चला देंगे। और यहाँ मैंने ये कीमा भर लिया है करेलों में, धागा भी लपेट दिया है और इसको हम चूल्हे की आँच स्लो कर देंगे और इसको इसकी तरह हम दम पे पकाएंगे 10-15 मिनट तक, ताकि हमारे करेले जो करेलों में से भी पानी निकलेगा बस वो ही पानी होगा। और इसको हम इस तरह लगा देंगे, ये देखें करेले कीमा भरे हुए हमारे। और एक चम्मची मैंने जो बॉयल मसाला किया है करेलों में जो भरा है उसके अंदर एक चम्मची मैंने अचार का, जो अचार बना हुआ होता है उसका मसाला, जो मेरे घर का अचार है उसका मैंने एक चम्मची मसाला डाला है। और ये देखें ये करेले में दम पर लगा दूंगी 10-15 मिनट के लिए। ये रेडी हो चुके हैं हमारे भरवा करेले, ये देखें कितने मज़ेदार से बने हमारे करेले कीमा। देखें ये भरे हुए कीमा ना करेले रेडी हो चुके हैं और वो ना बहुत मज़ेदार बने हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।